के अध्यापक की हत्या की वारदात से पर्दा उठा दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को आला कत्ल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 3 दिन पूर्व बिहार के सुपौल जिले के अध्यापक इंद्रदेव की 4 अगस्त को जनपद के थाना पटरंगा के काजीपुर गांव में चाकू से गला रेंतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जब इस वारदात की जांच शुरू की तो पता चला कि इलाके के ही 3 लोगों ने अध्यापक द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद अध्यापक की हत्या कर दी थी। वहीं आपको बताते चले, अध्यापक इंद्रदेव मानसिक अवसाद से पीड़ित था और इसका इलाज चल रहा था। 4 अगस्त को थाना पटरंगा के काजीपुर गांव के बाहर खेत में एक अधेड़ का शव मिला था, जिसके बाद छानबीन के दौरान उसके जेब से मिले मोबाइल, आधार कार्ड, ATM के आधार पर उसकी शिनाख्त इंद्रदेव जिला सुपौल बिहार के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। ये 4 अगस्त को थाना पटरंगा अंतर्गत हाईवे के बगल में गाँव है पूरे काजी, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी की पहचान इंद्रदेव कुमार निवासी चैन पट्टी थाना सुपौल जिला सुपौल बिहार के रूप में हुई थी, क्योंकि मृतक के पास ATM कार्ड मिला था और उसके पास मोबाइल भी मिला था और उससे उसकी पहचान हो गई थी और जो उसमें नंबर मिला था उससे उसके घर वालों को इतला की गई, घर वालों ने आकर के पहचान किया और पूरी बात बताई कि ये घर से रांची के लिए निकला था और ये प्रायः घर से जब निकलता था तो कहीं का कहीं पहुंच जाता था, क्योंकि ये काफ़ी नशेड़ी था, ये गांजा भांग का भी सेवन करता था, शराब का भी सेवन करता था और मृतक के लड़के राहुल कुमार की तहरीर पर थाना पटरंगा में 6 अगस्त को 302-201 IPC का अभियुक्त पंजीकृत हुआ था और जब इसकी तहकीकात की गई तो थाना प्रभारी पटरंगा और स्वाट सर्विलांस की टीमों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और इस केस को वर्कआउट किया। इसमें छानबीन से ये पता चला कि ये मृतक हाईवे पर किसी गाड़ी से उतर गया था और दुर्गेश कुमार ने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है और उसी की निशानदेही पर जो आला कत्ल है चाकू भी बरामद कर लिया गया है, रुमाल भी बरामद किया गया है जो मृतक का था, जिससे लोगों ने हाथ धोखा था और इस तरह से घटना का सफल अनावरण हो गया है और गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको जेल भेजा गया है।